भारतीय एथलीट्स ने हांगझोउ में लहराया परचम। इस बार 100 पार का लक्ष्य हुआ पूरा। भारत ने चीन में लहराया अपना परचम। आपको बता दें, इस बार 100 पार इसी लक्ष्य के साथ भारतीय एथलीट चीन के हांगझोउ में एशियन गेम्स खेलने के लिए गए थे। इस लक्ष्य को हमारे जाबाज खिलाड़ियों ने हासिल कर लिया है। अभी 100 मेडल्स जीते हैं, लेकिन यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। कुल मिलाकर भारतीय एथलीट्स ने हांगझोउ में नया इतिहास रच दिया है। भारत के बेटियों ने कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता और यह उनका 100वां मेडल रहा। इससे पहले भारत ने जाकर्ता एशियन गेम्स में 70 मेडल्स जीते थे। हांगझोउ एशियाड से पहले तक इन खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत का रहा था, लेकिन अब इस एशियाड में यह रिकॉर्ड काफी पीछे छूट चुका है। भारतीय एथलीट्स ने चीन के हांगझोउ में अपना परचम लहरा दिया है। इस बार जब एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट चीन के हांगझोउ में खेलने जा रहे थे, तो लक्ष्य रखा गया था इस बार 100 पार यानी मेडल टेबल में 100 पदक जीतने का चैलेंज, जिसे हमारे खिलाड़ियों ने पूरा कर दिया है। 4 अक्टूबर को भारत की कंपाउंड तीरंदाजी टीम में शामिल ज्योति वैनम और ओजस देवताले की भारतीय मिश्र टीम ने गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही तब भारत के कुल मेडल्स 70 पार हो गए थे। इस दौरान भारत ने जाकर्ता एशियन गेम्स 2018 में 70 पदक जीतने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। भारत ने 2018 में जाकर्ता में हुए एशियन गेम्स में कुल 70 पदक अपनी झोली में डाले थे। भारत ने जाकर्ता में 16 गोल्ड, 23 सिल्वर, 31 ब्रॉन्ज, कुल 70 पदक जीते थे और अब भारत ने 100 मेडल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और आगे और भी मेडल्स भारत की झोली में आ सकते हैं। डिजिटल डेस्क, भारत समाचार।